सहयोगी से कहूंगा, सहयोगी आ जाए मेरे साथ, आ जाए, इसको दिखाएं, इस सांप को दिखाएं, अजगर सांप। ये बताया जा रहा है यहाँ पर, आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ पर गांव में किसान काफी बड़ा है तो किसानों को, और इसमें देख सकते हैं कि एक हुजूम चारों तरफ इस सांप को देखने के लिए लगा हुआ है, और ये जाने की कोशिश कर रहा है, देखिए चलने की कोशिश कर रहा है, और काफी वजन इसमें बताया जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल वन विभाग की टीम को फोन कर दिया गया है गांव ग्रामीणों के द्वारा, और उसको देखिए, देख सकते हैं आप अपने हाथ से उसको पकड़ कर खींचने की कोशिश की जा रही है, आप देख सकते हैं। और यहां पर प्रयास ये इसीलिए है कि यहां पहले वन विभाग आ जाएगा, फिर जिसके बाद इसको पकड़ा जाएगा, और जहां भी उसको ले जाना वन विभाग चाहेगा। ये देखें, वो पूरे तरीके से जाने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हैं, इसे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है, और वेट किया जा रहा है। कमालपुर गांव में जहां पर एक अजगर सांप निकला है, मैं सहयोगी से कहूंगा मेरे साथ आएं, और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कितना बड़ा ये सांप है। हालांकि ये दूसरे जंगल में था, दूसरे एक खेत में था, जहां से उसे दूसरी तरफ लाया गया। सहयोगी से कहूंगा इधर आकर इसको दिखाते हैं, एक बार पास आकर इसको दिखाने की कोशिश करें, और तमाम ग्रामीणों के अंदर उत्साहित भी देख सकते हैं आप किस तरीके से वीडियोग्राफी चल रही है, सबको दिखा दें किस तरीके से वीडियोग्राफी सभी लोग बना रहे हैं, और पूरा गांव करीब करीब यहां पर इकट्ठा हो गया है, एक हुजूम लग गया है यहां पर, आप देख सकते हैं। बात करेंगे, समझेंगे, आगे चलेंगे सहयोगी मेरे साथ। अच्छा भाई, एक मिनट आपसे बात करना हम चाह रहे थे, आपने कब देखा इसको ये बताइए, आपने देखा था? दो घंटे हो चुके हैं इसे देखे हुए। आप दो घंटे से यहीं पर जी हैं? आप इसको देख रहे थे कहीं इधर उधर ना चला जाए? जी जी जी। अच्छा, आप वहाँ से पकड़ कर इसे यहाँ पर जो लाए इसलिए लाए कि कहीं छुप ना जाए? जी जी। अब कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाए, और यहाँ पे जो खुला खेत है इसलिए खुले खेत में ले आए, यहाँ झाड़ फूस नहीं है कुछ भी। अच्छा, एक बात बताएं, आप तो देखते ही रहते होंगे, यहाँ पर निकलते भी रहते होंगे, क्या ये किसी किस्म का नुकसान पहुँचाता है इंसान को? नहीं, नुकसान तो ये इंसान को तो कम पहुँचाता है, छोटे मोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, मेंढक, छोटे छोटे सांप, उनको ही खाता है, खा जाता है उनको। जी जी। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे ग्रामीणों का एक तरीके से हुजूम बन गया है, यहाँ पर सभी लोग वीडियो बना रहे हैं। ये भाई इसे उस सांप को एक झाड़ी के अंदर से निकाल कर लाए हैं, निकालने के बाद उसे ऐसे मैदान में छोड़ा है जहां पर वो छुप ना सके, और अभी वन विभाग टीम का इंतजार किया जा रहा है। मैं सही कह सकूंगा एक बार इधर आकर इसको दिखा दें, हालांकि सभी लोग यहाँ मौजूद हैं पूरे तरीके से, और सभी वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं। विभाग की टीम यहाँ पर आ चुकी है, सहयोगी से कहूंगा आ जाए मेरे साथ और दिखाएं। वन विभाग की टीम यहाँ पर आ गई है और उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, और देख सकते हैं आप, देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरे गुस्से में है, और बहुत ज्यादा पूरी तरीके से गुस्से में है, और देखें, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। सहयोगी से कहूंगा थोड़ा दिखाएं और सावधानी से दिखाएं, देख सकते हैं इसको दबोच लिया गया है, पकड़ लिया गया है, आप देख सकते हैं इसका मुंह बंद, पकड़ लिया गया, पकड़ लिया मुंह, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, दब रहा है वो हाथ में, पूरे में नहीं है, कर दे यार, शांति से पकड़ लो, चुप रहो, पकड़ लेंगे, उनका काम है वो पकड़ लेंगे। देख सकते हैं इसको पकड़ लिया गया है, इसका बिल्कुल मुंह बंद कर दिया गया है, और इसको आप देख सकते हैं, ये देखें, सहयोगी से दिखाऊंगा पूरा, इसे उठाकर दिखाएं, ये देख सकते हैं, बताया जा रहा है इसको, और इसको डाल दिया है, और इसको बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए, और अजगर है ये, देख सकते हैं इसको यहाँ पकड़ लिया गया है। सहयोगी से कहूंगा करीब आ जाएं, बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा सोमवीर। सोमवीर भाई, एक बार बताइए, आपने इसको पकड़ लिया, डर नहीं लगा पकड़ते हुए? ना तो। अच्छा, आप कहाँ ले जाएंगे इसको? जंगल में छोड़ने के। अच्छा, अजगर है ये? हाँ, अजगर है। अच्छा, आपने पूरे तरीके से देखा कि वन विभाग की टीम आई, और आने के बाद इस अजगर को पकड़ कर भी लेकर चली गई, आप देख सकते थे किस तरीके से उसे पकड़ा है, और अब गांव वाले अपने घर की तरफ वापसी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अबू शैमा और अपने सहयोगी जीशान के साथ मैं यहाया खान, बुलंदशहर।